हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं BPSC बिहार SSC बिहार दरोगा को ध्यान में रखकर घटना चक की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग सामान्य विज्ञान के बायो के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे, एक रिवीजन हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं बायो के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है विटामिन एवं पोषण। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए इसे ध्यान से देखेंगे। तो चलिए नोट्स इसके बारे में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज लवण तथा विटामिन 7 प्रकार के प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। नेक्स्ट है, मानव सहित सभी जंतु समानतः इन्हें भोजन से प्राप्त करते हैं। इन पदार्थों में से जल एवं खनिज अकार्बनिक पदार्थ है, शेष कार्बनिक पदार्थ है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसाएँ प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ है। प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है। विटामिन, जल, खनिज लवण उपाचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करते हैं। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स में 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की के यौगिक CH2O होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, वर्ष 1912 में पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमिलर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा के निरूपण किया था तथा विटामिन सबका सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी दो श्रेणियां हैं। पहला है जल में घुलनशील B और C, दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन ADE के विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। नेक्स्ट है, लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है। यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है, इसकी हल्की मिठास कारक कारण है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कैसीन एक फॉस्फोप्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। दूध को घुलनशील प्रोटीन कैसीन को ठोस व घुलनशील कैल्शियम पैरा कैसीनेट में परिवर्तित कर दूध को दही रूप में जमा देता है। नेक्स्ट है, शिशु में जठर रस में यह पाचन एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों में इसका अभाव होता है। नेक्स्ट फैक्ट है, दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचन नाल में पाया जाता है। यह मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट है, दूध से दही, छाछ तथा पनीर निर्माण का कार्य इन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व के अणुओं से मिलकर होता है। इसमें आंशिक रूप से गंधक, फास्फोरस आदि भी उपस्थित होते हैं। प्रोटीन उत्कों के निर्माण, मरम्मत, शारीरिक विधि के लिए आवश्यक होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन की संयोजन इकाइयों या एकलक होते हैं। प्रकृति में लगभग 300 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जीवदर में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल में केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन एकलक होते हैं। इनमें से 10 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन से भी प्राप्त हो सकते हैं, शरीर की कोशिकाओं में भी बन सकते हैं। यह अनानिवार्य नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल कहलाते हैं। शेष 10 प्रकार के अमीनो अम्ल मानव केवल भोजन से ही प्राप्त करता है, इसलिए यह अनिवार्य एसेंशियल अमीनो अम्ल कहलाते हैं। हिस्टिडीन, आइसोसिलीन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिलएलनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन आदि अनिवार्य अमीनो अम्ल है। ग्लाइसिन, सेरीन, टाइलोसिन, एलियोनिन, ग्लूटेसिन अम्ल, फ्लोलिन आदि अनिवार्य अमीनो अम्ल है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कि सींग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा आदि में उपस्थित होता है। यह केराटिन का प्रकार है। टायरोसिन मस्तिष्क में एडीनोनील, नॉट एडीनील और डोपाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि पाए जाते हैं। दूध को पूर्ण आहार कहा गया है जो कि सभी अवस्थाओं के लिए सर्वमान्य भोजन है।
नेक्स्ट है समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 से 46 ग्राम, जबकि गर्भवती महिला और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला इससे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख विटामिन स्रोत और उसके कमी होने वाले रोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। विटामिन ए, इसको रेटिनॉल कहा जाता है, इसकी कमी से रतौधी, जीरोथर्मिया, संक्रमण, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। स्रोत है गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल। नेक्स्ट है विटामिन बी वन, थायमिन, इसकी कमी से बेरी बेरी वृद्धि रुकना होता है। अनाज, फलियां, सोयाबीन और दूध इसके स्रोत है। नेक्स्ट है विटामिन बी टू, राइबोफ्लेविन, ये किलोसिस होता है, इसका स्रोत है पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां। नेक्स्ट है विटामिन बी थ्री, नियासिन या निकोटीन अम्ल, इससे कमी होने वाले पेलाग्रा होता है, इसका स्रोत है ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां आदि। नेक्स्ट है विटामिन बी फाइव, पेंटाथीन अम्ल, इससे होने वाले रोग है चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, इसके स्रोत है अंडे, दूध, मांस, मूंगफली। नेक्स्ट है विटामिन बी सिक्स, पायरिडॉक्सिन, इससे होने वाले रोग है रक्त छिन्नता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन, इसका स्रोत है दूध, ईस्ट, अनाज, मांस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विटामिन बी सेवन, बायोटीन, इससे होने वाले रोग है चर्म रोग, बालों का झड़ना, इसका स्रोत है मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल। नेक्स्ट है विटामिन बी नाइन, ये फॉलिक अम्ल कहलाते हैं, इससे कमी होने वाले रोग रक्त छिन्नता, कुंडित वृद्धि, और इसके स्रोत हैं हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे। नेक्स्ट है विटामिन बी ट्वेल्व, साइनोकोबाल्बमिन, और इसके कमी से होने वाले रोग घातक रक्त छिन्नता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ, और इसका स्रोत है मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत के जीवाणु। नेक्स्ट है विटामिन सी, स्कॉर्बिक अम्ल, इससे होने वाले रोग है स्कर्वी रोग, और इसका स्रोत है आंवला, नींबू, वंश के फल, टमाटर और सब्जियां। नेक्स्ट है विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल, और इससे होने वाले रोग है सूखा रोग, रिकेट्स, आर्कियोमेलेसिया, और इसका स्रोत है मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि तथा सूर्य प्रकाश में संश्लेषण। नेक्स्ट है विटामिन ई, टोकोफेरॉल, इसका स्रोत, इसे होने वाले रोग है जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर, इसका स्रोत है तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। नेक्स्ट है विटामिन के, नैप्थोथियोनोन, और इससे होने वाले रोग है चोट पर रक्त का थक्का न जमना, और इसका स्रोत है हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, आंत्र के बैक्टीरिया। बी थ्री का नाम कैल्सिफेरॉल है। नेक्स्ट है मंड या स्टार्च तथा सेलुलोज दोनों का वनस्पतिक उद्भव है, यह ग्लूकोज अणु से निर्मित बहुलक है। स्टार्च आयोडीन घोल के साथ क्रिया करके नीला काला रंग देता है, जबकि सेलुलोज इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलोप्सिन के रूप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसीय अम्लों के संश्लेषण नहीं कर सकती है। लिनोलेइक अम्ल तथा अल्फा लिनोनिक अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वसीय अम्ल एसेंशियल फैटी एसिड है। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेकिन अम्ल अलसी तथा तीसी में पाया जाता है। नेक्स्ट है अल्फा लिनोलेकिन अम्ल एक ओमेगा थ्री वसीय अम्ल है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं असंतृप्त वसा, अनसेचुरेटेड फैट, संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इनके अणुओं में किन्हीं कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरे बंध डबल बंध होते हैं। संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध नहीं होते हैं। बहु असंतृप्त वसा अम्ल पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में अपघटन का दर काफ़ी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनीय क्रिया में ऑक्सीजन अधिक अनुग्रहण कर लिए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मानव के संवहनीय क्रिया बढ़ जाती है।
बहु असंतृप्त वसा अम्ल मछली के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है। नेक्स्ट है ट्रांस वसा। ट्रांस फैट का उपयोग शरीर के खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है और अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। प्रायः पशु उत्पन्न वसा तेल और हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं ताकि हम लोग को कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन उत्पन्न ना रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर के नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व तो प्रदान करता है? तो ये पनीर है। इसकी व्याख्या देखें। पनीर मानव शरीर के नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व तो प्रदान करता है। यह एक झागदार मुलायम एवं भिन्न स्वाद वाला पदार्थ है, जिसे दूध के विरुद्ध जीवाणियों के लैक्टोबेसिलस लैक्टिस तथा लिकोनोस्ट्रोक सिंड्रोम द्वारा किण्वन कर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोबायोटिक खाद्य में संवहन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं, जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। दूसरा है प्रोबायोटिक खाद्य आंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण सहायता देता है। तो इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। आंसर पहला और दूसरा दोनों सही है। इसकी व्याख्या है प्रोबायोटिक खाद्य में मानव के लिए लाभकारी सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं, साथ ही प्रोबायोटिक खाद्य आंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायक होता है। उल्लेखनीय है आंत्र फ्लोरा मानव पाचन तंत्र में मौजूद और अरबों जीवाणुओं को दी गई संज्ञा है। आंत्र फ्लोरा के लाभकारी एवं हानिकारक दोनों ही प्रकार के जीवाणु होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य के लाभकारी जीवाणु आंत्र फ्लोरा के हानिकारक जीवाणुओं के साथ संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रासिटोकल उत्पाद जिसमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। इसकी व्याख्या देखें। न्यूट्रास्यूटिकल शब्द न्यूट्रिशन फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना है हुआ है। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधीय लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है पंक ने वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो ये किया था विटामिन का। 1912 में पोलिश वैज्ञानिक कैसिमियर फंक ने पहली बार विटामिन की अवधारणा को निरूपण किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जगह विटामिन डी पॉल मुलर। इसकी व्याख्या देखें। जेम्स लीड 1747 ईस्वी में बताया कि खट्टे फलों का प्रयोग कैसे स्कर्वी रोग का बचाव किया जा सकता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। पॉल मुलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। यह डीडीटी ये कीटनाशक जीवाणुओं की खोज व मलेरिया एवं पित्त ज्वर जैसे वेक्टर रोगों के रोकथाम के लिए इनकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज एग्मर मैनुकुलम द्वारा की गई है, जबकि विकल्प ए और बी में मैनुकुलर का नाम दिया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन क्या होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा गया है? तो विटामिन को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवधारियों के को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होती है तो वे हैं पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम और कैल्शियम। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो यह वसा में होती है। भोजन के वर्ग में वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन के उपचयीकरण से 4 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के जारक से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वसा की स्रोत जंतु तथा वनस्पति दोनों हैं। नेक्स्ट है सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये स्रोत हैं तो ये केवल पोटेशियम के। इसकी व्याख्या देखिए। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है। इसके सेवन से कुल कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त बहिकाओं के लिए पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है।
जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, उच्च रक्तचाप को समान बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ऑक्सीकारक रोधी एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत है। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने और दीर्घायु होने के किस प्रकार के सहायक सिद्ध होते हैं? तो इसका आंसर होगा, ये शरीर में चयापचय के उत्पाद के रूप में उपयुक्त उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। इसकी व्याख्या देखें, प्रतिऑक्सीकारक या प्रति उत्पादक के यो यौगिक है जिसमें अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थों को मिला देने से वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ साथ अभिक्रिया निरोध हो जाता है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतर किसी पदार्थ से ऑक्सीकरण एजेंट में होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप मूल मूलक उत्पन्न हो सकते हैं जिसके द्वारा कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं ऑक्सीकृत होकर मुक्त मूलकों को निष्क्रिय कर कोशिकाओं में होने वाली इन श्रृंखला अभिक्रिया को रोक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो राइबोफ्लोविन बेरी बेरी सुमेलित नहीं है जिसकी कमी से कैल्सिलिर नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? तो मिर्च में। नेक्स्ट है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है? तो विटामिन सी। नेक्स्ट है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है? तो ये कच्चे एवं ताजे फल। नेक्स्ट है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? तो आंवला। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो संतरा में। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है? संतरा। नेक्स्ट है, घाव को भरने में सहायक विटामिन है? तो विटामिन सी है। नेक्स्ट है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लौह के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी को खून का थक्का धीरे धीरे बनने में बीमारी होती है? तो विटामिन के। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की। नेक्स्ट है, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों को प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो डी, विटामिन के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणियों द्वारा संश्लेषित होता है? तो विटामिन B12 और विटामिन के। नेक्स्ट है, विटामिन डी का स्रोत है? तो सूर्य की किरणें हैं। सूर्य के किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विटामिन डी वर्धनता कारक ये सुमेलित नहीं है, ये इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन डी की अल्पसंख्यकता से रोग रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की निम्नलिखित में क्या पाया जाता है? तो कैल्सिफेरॉल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑक्सीफेरॉल कहते हैं? तो यह विटामिन डी को कहा जाता है। मुख्य रूप से भोजन या मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली आदि तेल में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों को सूखा रोग और रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो विटामिन के बांध्यापन के लिए नहीं है, इसकी कमी से रक्त का थक्का बनने में समस्या होती है। नेक्स्ट है, रतौधि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? तो विटामिन ए के कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहती है? तो यकृत में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? तो यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? तो गाजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो आम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो टेकोप्रोल बेरी बेरी से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो गेहूँ अंकुर का तेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग्म में से सुमेलित नहीं है? तो होगा, इसका ऑप्शन ई होगा,
कोई नहीं या एक से अधिक। इसकी व्याख्या देखें, सूर्य का प्रकाश कार्ड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत है। गेहूँ अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फाफा में विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन B1 बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो विटामिन ए का। नेक्स्ट है, कथन है यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, कारण उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो एक कथन गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है B12। नेक्स्ट है, विटामिन B12 को निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, तो कोबाल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12। साइनोकोबालमिन है तो ये है B12, विटामिन B12। नेक्स्ट है, थायमिन है तो विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, जिसे फंक 1912 में चावल की छीलन से पृथक किया था, किंतु विशुद्ध रूप से इसे विलियम्स 1934 में पृथक किया। इस विटामिन की कमी से शरीर में बेरी बेरी हो जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है, जबकि विटामिन B2 का और विटामिन B6 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन और पाइरोडायोक्सिन है। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन है तो यह विटामिन सी। विटामिन बी और सी जल में विलेय होते हैं, जबकि विटामिन ए डी ई के वसा में विलेय होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो विटामिन बी। नेक्स्ट है, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है, तो विटामिन B C। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद करने में सहायक होता है, तो विटामिन B6। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है तो रतौंधी हो जाएगा, तो रतौंधी विटामिन ए। रिकेट्स हो जाएगा विटामिन डी। इसका भी हो जाएगा विटामिन सी, बेरी बेरी विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं, एक मनुष्य के बेरी बेरी सूखा रोग स्कर्वी का बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है विटामिन B1 और डी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है तो इसका आंसर सूखा का हो जाएगा विटामिन डी, बेरी बेरी का विटामिन B1, निषादता का हो जाएगा विटामिन ए, स्कर्वी का विटामिन सी। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, विटामिन सी का हो जाएगा स्कर्वी, फोलिक अम्ल हो जाएगा रक्तअल्प, विटामिन ए हो जाएगा रतौधी, विटामिन B1 हो जाएगा बेरी बेरी, नहीं विटामिन ए हो जाएगा रतौधी, विटामिन B1 हो जाएगा बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सुमेलित नहीं है, तो विटामिन डी मृदंता सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सुमेलित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो केवल पहला और दूसरा सही है। विटामिन सी इसका भी सही होता है और विटामिन डी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विटामिन ए गठिया नहीं होता है, रतौंधी होता है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, रेटिनॉल नेत्र के सूख कर लाल होना, टेकोफेरॉल बाध्यता, साइनोकोबालमिन घातक, रक्तअल्पता, पाइरिडॉक्सिन मानसिक व्याधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है तो सी, विटामिन के बंध्यापन से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है तो ऊर्जा के 116 कैलोरी होता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है तो सोयाबीन में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है तो सोयाबीन के दाने में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है, तो मूंगफली। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मूंगफली है, 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन एवं वसा दोनों प्रचुरता होती है तो मूंगफली में। नेक्स्ट, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं कीरोटीन। नेक्स्ट है, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है, तो कीरेटीन।
नेक्स्ट है प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो विटामिन डी, पहले आंसर इसका डी, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। इसकी व्याख्या है, टायरोसिन एक ऐसा अमीनो अम्ल है जिसका कार्य मस्तिष्क में एडेनिन, नाइट्रिलिन और डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करना है। इसकी कमी से होने से व्यक्ति स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है। टायरोसिन से शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा बढ़ाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों का प्रभावित करने वाला पदार्थ है तो ग्लूटीन है। नेक्स्ट है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा का आवश्यकता होती है तो 4000 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है, एक गिलास पानी पीने का कितना कैलोरी मिलती है तो 0 मिलती है। नेक्स्ट, भोजन का एक प्रमुख अंग है तो कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट, लंबे समय में कसरत का मुख्य ईंधन क्या है तो कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में अम्लीयता व क्षारता के बीच का तत्व संतुलन बनाए रखता है तो फास्फोरस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है तो अमीनो अम्ल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो करौंदा। करौंदा एक आवर्त वृजी पौधा है जिसके फल में विटामिन सी तथा लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी घाव भरने में उपयोगी होता है। लौह पदार्थ हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। पहला, कैल्शियम, लौह और सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है तो तीनों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है तो आयरन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है तो पालक। नेक्स्ट है, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है तो हरी सब्जियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि वह बहुलायक है तो एमाइलोज का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है तो लैक्टोज। नेक्स्ट है, दूध में विद्यमान सैकराइड है तो यह है लैक्टोज। नेक्स्ट है, दूध में किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है तो लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है तो बैक्टीरिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति में होती है तो कैरोटीन। नेक्स्ट है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण जिसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है तो कैसीन के साथ कैरोटीन। दूध का सफ़ेद रंग होता है कैसीन से। नेक्स्ट है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है तो 7.2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं तो इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। अनेक स्तन्याएं के जठर रस दुग्ध प्रोटीन के पाचन हेतु रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मानव के जठर रस इसकी उपस्थिति संदिग्ध है। संभवतः शिशुओं में जठर रस में यह होता है किंतु वयस्कों में जठर रस नहीं होता है। वयस्कों में दूध प्रोटीन के पाचन का श्रेय पेप्सिन नामक एंजाइम को दिया जाता है। समानता रेनिन और लैक्टेज एंजाइम मानव शरीर में 2 या 3 वर्ष की आयु में क्षीण होना शुरू हो जाते हैं और 6 से 15 वर्ष की आयु में मूलतः मध्यपूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो ये रेनिन है। नेक्स्ट है, कैसीन दुग्ध होता है प्रोटीन। नेक्स्ट है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है तो कैसीन के कारण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है तो कैसीन। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से। नेक्स्ट, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है तो प्रोटीन के कारण। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है तो इसका हो जाएगा विटामिन B12, कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन, लोहा, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, पीतल, तांबा। नेक्स्ट है, सुमेलित इसको भी करना है, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, आयरन, खाने का नमक, सोडियम क्लोराइड, कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट को सुमेलित करना है तो विटामिन B12, कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन, लौह, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम,
चैकोपायराइट, तांबा, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सुमेलित ही करना है, तो नेक्स्ट विटामिन बी वन, विटामिन बी वन का हो जाएगा पायरीडॉक्सिन, विटामिन बी ट्वेल्व का हो जाएगा रेबोफ्लोविन, विटामिन बी सिक्स का हो जाएगा, सॉरी इसको फिर से देखते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। विटामिन बी वन को थायमिन कहते हैं, विटामिन बी टी को राइबोफ्लोबिन, विटामिन बी ट्वेल्व को कोबालामाइन और विटामिन बी सिक्स को पाइरिडोक्सिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो ये हो जाएगा बी टू, विटामिन बी टू राइबोफ्लोबिन सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, कौन सूक्ष्म तत्व तो नहीं है, तो गंधक नहीं है। नेक्स्ट है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी। नेक्स्ट है, पर इसकी व्याख्या देखें, पपीता मुख्यतः विटामिन सी का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। पपीता विटामिन ए, विटामिन बी वन, बी टू का एक प्रमुख एक स्रोत है, परंतु इसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो ये दूध नहीं है। नेक्स्ट, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी प्रोटीन में विद्यमान होते हैं, तो सभी हुआ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, तो अवरक्त किरणें। नेक्स्ट है, तरुण व वृद्ध व्यक्तियों को प्रोटीन की आवश्यकता, वृद्धों को उच्चतर और तरुण को न्यूनतम होती है। नेक्स्ट, समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन युक्त दैनिक मात्रा है 45 ग्राम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो 70 ग्राम। नेक्स्ट है, बोतल का दूध पीने व बच्चों की तुलना में माँ को दूध पीने वाले बच्चों के निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं, तो हो जाएगा पहला वह कम मोटा होता है, दूसरा उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, तीसरा इसमें विटामिन और प्रोटीन अधिक मिले होते हैं। नेक्स्ट है, स्टार्च एक है तो यह पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही नहीं है, तो ये सी, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखें, स्टार्च तथा सेलुलोज दोनों वनस्पतिक उद्भव है, दोनों गुण अणु बहुलक पदार्थ पॉलीमर्स, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं। स्टार्च आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है, जबकि सेलुलोज इस घोल में रंग नहीं प्रदान करता। मंड, स्टार्च पौधे को संचित भोजन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कण है, जबकि सेलुलोज पौधे की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो डी। नेक्स्ट है, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन सा प्रकार पाया जाता है, तो कैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो जगह दूध में कोई भी बी विटामिन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में कुपोषण होता है, तो हो जाएगा अति पोषण से, अल्प पोषण से, असंतुलित पोषण से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला, दूसरा और चौथा। तो पहला है, मानव भोजन का वसा अम्लों में एक भाग होना चाहिए। दूसरा है, समान भोजन 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। चौथा, आवश्यक वसा अम्लों में अनुपस्थिति से न्यूनतम रोग उत्पन्न होने चाहिए। नेक्स्ट है, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है, तो ओमेगा 3-वसी अम्ल का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलिक अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है, तो अलसी। नेक्स्ट है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं, तो कैल्शियम, पोटेशियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कथन है, विटामिन बल वर्धक तत्व जिसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। दूसरा है, कारण विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं, तो विटामिन, इसका आंसर सी हो जाएगा, कथन सही है, कारक गलत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कथन है, मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरिन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। कारण है, अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, तो इसका डी सही होगा, यानी कि कथन गलत है, कारक सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, तो इसका व्याख्या देखते हैं। सोयाबीन तथा पशुओं से युक्त खाद्य पदार्थों जैसे दूध, अंडा, मछली, मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल से
युक्त होते हैं। इसमें संपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। सोयाबीन एक ऐसा एकमात्र गैर पशु विघटन प्रोटीन का स्रोत है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इसलिए विकल्प ए में दिए गए चावल को छोड़कर शेष विकल्प भोज पदार्थ में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे शरीर में त्वचा तल में के नीचे विद्यमान बसा निम्नलिखित में के विरोध अवरोधक का काम करती है, तो शरीर के ऊष्मा का क्षय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे चयापचय प्रक्रम के अधिकतम ऊर्जा मिलती है, तो यह वसा को। नेक्स्ट है अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है, तो प्रोटीन। नेक्स्ट है कथन असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। कारण असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक अवाद्य होता है, तो इसका आंसर होगा सी, कथन सही है, कारक गलत है। नेक्स्ट है अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है बहुअसंतृप्त वसा अम्ल। नेक्स्ट है आहार उत्पादों के विक्रय में झूठी एक कंपनी विज्ञापित करती है कि उसमें उत्पादकों की ट्रांस वसा नहीं होती, इसके अभिक्रयान और अभिवक्ताओं के लिए अभिप्राय है, तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों में नहीं निर्मित किए जाते। दूसरा है कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। तीसरा कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभावतः उपभोक्ताओं को हृदय वाहिका स्वास्थ्य के क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।